पाकिस्तान में आज बात करेंगे कराची के वाटर क्राइसिस की और क्या वजह है कि माफियाओं के माफियाओं से कराची छूट नहीं पा रहा। मैं हूं मोहम्मद आमिर जमील, आप देख रहे हैं रेड वॉच। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, लेकिन इसके बावजूद इसके मसाइल बहुत बेसिक से हैं, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, एजुकेशन का मसला है। इसी तरह इन सब चीजों की तरह जिंदगी के बुनियादी चीजें जैसे हवा, पानी, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। और आज बात करेंगे कराची के पानी के इशू पर। कराची के पानी के इशू इतना मुश्किल है, इसको समझने के लिए आपको इसे कई हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे कराची के अंदर पानी भी मुख्तलिफ किस्म का सप्लाई किया जाता है, और सप्लाई किस तरह से होता है, वो टैंकर्स के थ्रू होता है या फिर बोसीदा लाइनों के थ्रू होता है। कराची वालों को पानी खरीद कर पीना पड़ता है। यहाँ पानी की कई अकसाम हैं, जैसे कि एक पानी कराची वालों को वो दिया जाता है जो कि घर के काम और इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, ये अक्सर खारा पानी होता है। एक दूसरे किस्म का पानी होता है जो कि गंदा पानी होता है, और ये पौधों के अंदर डाला जाता है, और उस पानी के बाद पौधों से किस किस्म की खुशबू हवाओं में फैलेगी, ये भी एक सवाल है। और इसके बाद एक तीसरे किस्म का पानी आता है, और ये आता है फिल्टर किया हुआ पानी जो कि हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन सब पानी के मसलों में मसाइल हैं क्या? सीवरेज से जो पानी मिला हुआ होता है वो पीते हैं, इससे बड़ा कोई जुल्म किसी आवाम पे नहीं हो सकता। अगर हम इन्हें एक एक करके बड़े बड़े मसलों को जॉट डाउन करें तो सबसे बड़ा मसला कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का है। इस पूरे अमल में कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड सबसे बड़ा जिम्मेदार है। इस बोर्ड की जिम्मेदारी है कि हर शहरी के घर पर पानी सप्लाई करे, क्योंकि कराची का हर शहरी टैक्स देता है, तो इस बात की जिम्मेदारी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पर है कि वो हर शख्स के घर पानी की सप्लाई मुमकिन बनाए। लेकिन यहाँ पर वाटर बोर्ड का अमला मुबैना तौर पर टैंकर माफिया और दीगर माफियाओं के साथ मिला होता है, जिसके जरिए कराची का पानी चोरी किया जाता है। दूसरा मसला आता है टैंकर माफिया का। कराची में पानी ना मिलने की एक बहुत बड़ी वजह गैर कानूनी हाइड्रेंट्स भी हैं, जिनमें गैर कानूनी तौर पर टैंकर्स को फिल किया जाता है और पूरे कराची में पानी को इस तरह से सर्कुलेट किया जाता है। अगर टैंकर्स की रेट की बात करें तो इन रेट्स में और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के रेट्स में जमीन और आसमान का फर्क नजर आता है। 400-400% मुनाफा एक एक टैंकर पे नजर आता है। मिसाल के तौर पे 5,000 रुपए का 1,000 गैलन पानी मिलता है, जबकि अगर हम वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की बात करें तो उनके रेट्स के मुताबिक 1,300 रुपए का 1,000 गैलन पानी मिलना चाहिए। इसी तरह से 7,000 रुपए के 2,000 गैलन पानी मिलता है, जबकि इसकी मैक्सिमम कीमत 1,700 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद कराची वालों को पानी टैंकर से खरीदना पड़ता है, जिल्लत उठानी पड़ती है और लोग परेशान हुए फिरते रहते हैं। तीसरा मसला सिस्टम का और लाइन लॉसेस का है। कराची में जितनी भी वाटर की लाइन बिछाई गई हैं, वो तमाम बोसीदा हो चुकी हैं, वो सिस्टम खराब हो चुका है। यहाँ पर कई ऐसी लाइनें भी मौजूद हैं जो कि वाटर और सीवरेज की लाइन के साथ मिक्स हैं। इन लाइनों में औरंगी से लेकर कोरंगी, कोरंगी से लेकर DHA, DHA से लेकर कहाँ तक, हर जगह कराची के अंदर गंदा पानी मिलता है और लोग इस पानी की जगह पे फिल्टर से खरीदा हुआ पानी पीते हैं। इस बात का इजहार कामरान खान साहब ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ अपने किए गए प्रोग्राम में भी किया था। कोई बेसिक काम नहीं होता, पीने का पानी खरीद के पीते हैं, इतना बड़ा शहर है, एक बस नहीं चल रही है। कराची के सिस्टम और लाइन लॉसेस का ये हाल है कि कराची का 60% पानी लाइंस के जरिए आता है, जबकि 40% पानी चोरी हो जाता है, और उस चोरी शुदा पानी के अंदर से 70% पानी गैर कानूनी तौर पर बेचा जाता है, जबकि 30% पानी जाया हो जाता है। अगर हम उस जाया किए हुए पानी को ही बचा लें या उस चोरी को ही बचा लें तो बहुत से घरों में पानी पहुंच सकता है। आखिरी मसला आता है, और ये मसला मैं कहूंगा सब मसलों की जड़ नजर आता है, ये मसला है सिटीजंस का। पाकिस्तान के आम शहरी को अपनी शहरी जिम्मेदारियां निभाना एक अजाब लगता है। हम रोड पर कचरा भी फेंक देते हैं, थूक भी देते हैं, और इसके अलावा सिग्नल भी तोड़ देते हैं। लेकिन हम इससे बड़ा गुनाह एक और कर रहे हैं, और वो गुनाह है हम अपने पानी को जाया कर रहे हैं। हमें बहुत सी जगहों पर
टैंकर्स के जरिए पानी जाता हुआ तो नजर आता है, लेकिन बहुत सी लाइनें टूटी हुई नजर आती हैं और हम में से किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती कि वो उसकी पिक्चर ले और किसी सोशल मीडिया पर डाल दे कि कम से कम इसके जरिए एक प्रेशर तो बिल्ड हो जिसके जरिए हम इस बोसीदा निज़ाम को ठीक कर सकें। इसी तरह से हमारे यहाँ बहुत सा पानी गाड़ियाँ धोने, स्विमिंग पूल्स, फाउंटेन्स और इन सब जगहों में ज़ाया कर दिया जाता है और इससे बहुत बड़े पानी की मकदार ज़ाया होती है। अगर हम ये वाला पानी भी बचा लें तो बहुत से घरों में पानी पहुंच सकता है। पिछले दिनों एक और खबर आई थी और उस खबर के मुताबिक कराची में जो पिछले दिनों बारिशें हुई हैं, उस बारिशों के नतीजे में हब डैम में 2 साल के लिए कराची वालों के लिए पानी जमा हो गया है। हब डैम 13 साल बाद मुकम्मल भर गया। स्पिलवेज खुलने के लिए 1 फीट पानी दरकार है और हंगामे इकदामात शुरू कर दिए गए हैं। अब तक सबके जहनों में सिर्फ यही सवाल है कि क्या वो पानी कराची वालों को मिलेगा भी या फिर सिर्फ एक ट्रक की बत्ती। अगर हम सब मिलकर अपनी शहरी जिम्मेदारियां निभाएंगे तो हम अपने इस मुल्क को ठीक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।